तो इसमें यहाँ हमें मिल गया है, मैंने मंगवाया है और ये काफी महंगा आया है। इस पे रेट तो 1500 रुपए लिखा है, बट करीबन करीबन ये 600 रुपए का आया है। बेटा है तो खाने की, बट आपके लिए नहीं है, ये ना मम्मा के लिए है। ये आगे से मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप समझ ही गए होंगे। हाँ ये वो है वेट कम करने के लिए, देखो फॉर वेट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मील रिप्लेसमेंट है। मतलब आप खाने की जगह एक गिलास दूध में ये चॉकलेट फ्लेवर है और इसमें काफ़ी कुछ है। देखो सिर्फ 107 कैलोरीज है इसमें, तो वेट लॉस के लिए अच्छा है ये। तो ये देखो ये शुगर फ्री है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना शुगर फ्री, और इसमें फाइबर वगैरह आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो मैंने मंगवाया था, आप देख लीजिए, ये यहाँ पे ब्रांड छिप रहा है ना, यहाँ स्टिकर लग गया। लेके चलूंगी बच्चे, ये क्या लग गया, इन्होंने स्टिकर चिपका दिया, आपको दिख तो रहा नहीं है। ये ऊपर से देख लो, ऊपर भी लिखा हुआ है, ये है फ्लोरल न्यूट्रिशन नाम से है, मैंने मंगवाया। अब से दूध में डाल के पिया करूंगी, अच्छा है ना। विहान के लिए तो मैंने ये दो बोर्नवीटे के डब्बे मंगवा दिए थे, ये वाला और एक ये वाला। हाँ ये मैंने डब्बा खोल लिया था, मैंने आपको दिखाया नहीं ना, ये बहुत यम्मी यम्मी स्टिक्स है इसके अंदर, ये बहुत टेस्टी है। चॉकलेट स्टिक्स होती है इसमें, ये मुझे 150 का मिला, प्रिंट 300 है। खाऊंगा होता है बेटा, आप घी नहीं हो, ठीक है, समझ में आई। और मैं कहाँ भूल गई यार, मैंने रखी कामों को, आपको कुछ दिखाना था। हाँ यही रखे, रखो बेटा यहाँ पे सेफ है, चलो बाहर चलेंगे। मैं खाऊंगा। आप ही खाओगे और कौन खाएगा? गड्ढी। किसको? मुझे। कहाँ लगी दिखाओ, कहाँ लगी उल्टी? कैसे लगेगी उल्टी? क्यों लगे बेटा आपको, क्यों उल्टी लगेगी? कैसे लगेगी उल्टी? और देखिए आप लोग मुझे अपनी कमी बताते हो तो मुझे समझ में आता है। आपने बताया ना कि निधि आप जब कुछ भी वीडियो का मैं कुछ दिखा रहे होते हो सामान, पीछे से बच्चे की चू चू चै चै ज्यादा आती है, तो आगे से मैं ध्यान रखूंगी इस चीज का, मुझे मेरी कमी समझ में आ गई है। एक मैंने जस्ट हर्ब्स की ये मंगवाई थी, ये 200 से तो 203 की आई है। देखो इसमें अलग अलग शेड्स हैं। ऐसे विहान का खाना पैक कर रही हूँ, ये चावल है, ये दाल है, गरम कर रही हूँ। इधर लेके आती हूँ विहान को मैं पार्क में, यहाँ बैठ के खाना खाता है। इसमें से आधा मैंने खाया दाल चावल, आधा विहान ने। पानी पी लो बेटा, साइकिल पे पानी रखा है। तो यहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है इस टाइम धूप में। हाँ पानी पी लो, खाना खा के पानी पीते हैं। बेटा ये बच्चे का खिलौना है, नहीं मेला है मामा। पानी पियो और मुंह भी साफ करो। मम्मा ये मेरा खिलौना है। अच्छा ठीक है, पानी पी लो। हाँ पी लिया, पानी मेरे हाथ पे गिरो, थोड़ा सा गिरो, बस 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 बहन का मुंह साफ कर दूं। क्या है, क्या हो गया, क्या हो गया? मिट्टी लग गई। कोई बात नहीं बेटा, जाओ झूला झूलो, अपना बोतल मुझे दे दो। मैं भी मिट्टी लग गई। जाओ ये तो अच्छी नहीं। जाओ मैं नाखून काटूंगी फिर घर जाके। मुझे एक्चुअली यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम देखती हूँ मैं क्या हो रखा है, इस टाइम हो रखा है 1:30 बज रहे हैं। तो विहान को खाना खिला दिया और यहाँ धूप में पार्क में बैठी रहती हूँ मैं। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ विहान अपना झूले झूलता रहता है, मैं रिलैक्स होके अपना इधर बैठी रहती हूँ। देखो ये जगह मेरी फेवरेट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस टाइम, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है तो हल्की हल्की गर्मी गर्मी सी लगती है ना, धूप में धूप सेक लेती हूँ मैं यहाँ आके। कंघी ले आती मैं बैठ के, यहाँ बालों में कंघी कर लेती। 3 दिन हो गए मैंने बालों में कंघी नहीं करी, आज करूँगी। वापस दोबारा जाना पड़ेगा, टिफिन बॉक्स पार्क में ही रह गया है। ये देखो मैं घर आ गई थी, बट क्या करें ऐसे चक्कर लगते हैं मेरे। ये देखो इस घर में भी ताला लग रहा है, मेरी मम्मी चले गए हैं घूमने फिरने। रोज बोलती हूँ डॉक्टर के टेस्ट करवा लो, यूरिन टेस्ट, वो नहीं करवाते हैं। पर रोज 2 दिन हो गए, 2-3 दिन शाम को दोपहर को चले जाते हैं अपना बैग लेके घूमने फिरने मार्केट की तरफ। ओ ऐसे मत झूला कर, पांव बाहर निकाल के गिर जाएगा।
टिफिन मुझे मिल गया है, ये देखो हाथ में है। एवरीवन, तो आज मैंने अपनी इस जैकेट की ये कैप पहन ली, बहुत स्टाइलिश कैप है, देखो क्या तो अभी मैंने देखिए शाम ही कह लो क्योंकि सर्दियों का टाइम है, तो 4:30 बज रहे हैं। और ये देखिए अब विहान को लेके मैं फिर से पार्क में जा रही हूँ, दोबारा से मेरा सेकंड राउंड लगेगा। इस बार मैं इसमें अमरूद कट करके लेके जा रही हूँ, अमरूद और एक दो चीकू। चीकू की तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है ये खाएगा, बट अमरूद तो खा ही लेगा। आजा चल पैडलिंग करनी शुरू कर दे, आजो आजो। हाँ झूले झूलते हुए खाएंगे, साइकिल पे आओ ना, साइकिल या तो अंदर भी नहीं करने दी, ऐसे पैदल क्यों आ रहे हो, साइकिल पे चलेंगे ना, साइकिल लेके आओ, साइकिल चलाओ बेटा। तो इधर पार्सल आया है, यहाँ पे आप एक पार्सल देख सकते हो जो कि मेरे हाथ में इस टाइम, और ये विहान के चाचू ने मतलब मेरे देवर ने भिजवाया है कुछ विहान के लिए, जो कि मुझे फोन करके बता दिया था कि आएगा, तो वो पार्सल आ गया है, फाइनली रिसीव हो गया है, और मुझे पता है कि विहान को बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए ये पार्सल विहान का खोल के देखते हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं विहान का रिएक्शन। मम्मी विहान के चाचू ने विहान के लिए कुछ भिजवाया है, विहान खोल के देखे। किसने भिजवाया है पहले बता, दादी ने। पक्का दादी ने भिजवाया है, चलो खोलते हैं, दादी से बात कर लेंगे बाद में। अच्छा बाद में बात भी करेंगे कह रहा दादी से बात करेंगे बाद में, मतलब पार्सल देखने के बाद। इसकी छुट्टियां भी बढ़ गई हैं 5 दिन की, एक्चुअली 20 तक हो गई है रूल आया। हाँ तो चलिए जी मैं फटाफट ही खोल के आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि क्या है इसमें विहान के लिए। तो चलिए विहान, यान ऐसे मत करो भाई, इसमें क्या है। ओके तो इसमें एक तो है ये देखो मिनी ट्रीट, कैलोरीज हैं इसमें, है क्या खोल के देखेंगे इसमें है क्या। ये जैम्स लग रहे हैं, हाँ जैम्स आए हैं। किसने भिजवाए विहान जैम्स, और भी कुछ है इसमें, जैम्स ही जैम्स हैं। ये देखो 3 पैकेट जैम्स के भिजवाए हैं इस तरीके से, 1, 2, 3। तो ये विहान के लिए आया है गिफ्ट विहान की, किसने भिजवा दिया खोल के देखते हैं, एक पैकेट खोल के देखते हैं कि इसमें है वह क्या। तो ये देख लीजिए इस तरीके से ये पार्सल है, तो इसमें एक के अंदर ये इस तरीके से 100 रुपए का एक ये है, इसके अंदर ये देखो इस तरीके से जैम्स हैं, 1, 2, 3, 4, तो आई थिंक ये 100 होंगे काउंटिंग में, 100 होंगे, 1 रुपए का एक होगा मेरे ख्याल से। तो 40 ट्रीट्स नहीं, होम 40 ट्रीट्स है, तो 4,100 रुपए की, ये तो मतलब कितना पड़ा, 40 यूनिट्स है इसके अंदर एक के अंदर, और ये पैकेट लिखा है 100 रुपए, चलो रेट तो ऐसे ही डाल देते हैं। तो ये इसका मतलब एक कितने का पड़ा, 2 रुपए का, 2 का से ज़्यादा का ही पड़ा, 3.5 रुपए का पड़ा इसका मतलब ये। तो ये देखो इस तरीके से, वैसे लो कितने का आता है, 5 का आता है ना वो छोटा वाला, मैं एक्चुअली कैलकुलेट इसलिए कर रही हूँ देखने के लिए कि ये ज़्यादा महंगा पड़ता है पैकेट वाला इकट्ठा या दूसरा वाला। तो ये कैडबरी का है मिनी, इनमें भी सब में यही मिलना है, तो 2 पैकेट रख दे, वापस कर दे, अंदर रख दूंगी ठीक है ना, एक ही खोल लिया बहुत है। तो ये देख लीजिए आ गया विहान के लिए, सारी नहीं खोलना बेटा, नहीं खोलनी सारी, नहीं खोलना, ला दे खोलू, रखोगे किसमें खोल के, दोनों खोलो, दोनों दोनों। अच्छा ठीक है खोल रही हूँ, दो खोल रही हूँ बेटा, वन मोर तो ये लीजिए बेटा विहान, किसने भिजवाया, दादी ने। थैंक यू बोलो, थैंक यू। कैसा लगा आपको, बहुत अच्छा, पसंद आया। हाँ। आपके होठों पे क्या लग रहा है, ये क्या लगा रखा है आपने, होठ लाल कैसे हो रखे हैं मेरे तो, क्या लगाया है, मैंने लगाया कोई, मैंने लिपस्टिक। तो ये देखिए ये आया है गिफ्ट विहान के लिए, ये कल मैंने आपको पता ये टॉफियां खरीदी थी, इसी में डाल ले ये भी ठीक है, सारे कुछ इसमें भर ले, इसी में भर दे, ये भी भर के अपना इकट्ठा करके रख ले, तेरा अच्छा खासा
सामान इकट्ठा हो गया, इसमें डालो। सारा इसमें भर देते हैं, ये देखो अच्छे से। हाँ इसमें रख दो जैम भी, ठीक है। सारी टॉफी चॉकलेट गिरो मत बेटा, ये सारी फैला दी ना बेटा, फैलाओ मत सारा। अब मुझे बिस्तर भी झाड़ना पड़ेगा। हाँ इसमें डालते रहो सारी अपनी, ये लो। कोई अच्छा अफसर आया, कुछ अच्छा हुआ तो आप कह रहे थे ना, कमेंट कर रहे थे। मैं बताऊं आपको, आप जो कमेंट कर रहे थे मुझे कि इतनी टॉफी आपने क्यों खरीदी बच्चे के लिए, तो मैं बताऊं, ये तो चलो ये खा लेता है, ये पल्स वाली ना मुझे भी ठीक लगती है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली तो स्पेशल मैंने अपने लिए ही मंगवाई थी टॉफी, ये विहान के लिए नहीं थी। ये वाली ये कॉफी फ्लेवर है, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। ये वाली विहान के लिए मंगवाई थी, और एक ये जेली वाली भी, ये वाली भी मैं ले लेती हूँ पल्स, मुझे ठीक लगती है। तो ये दो फ्लेवर तो मेरे लिए थे, बस रख रखे हैं, कभी मन होता है इसमें से मैं भी ले लेती हूँ दिन में एक आधी टॉफी, जब मेरा मन खराब होता है या मूड ऐसा होता है तो ले लेती हूँ। तो ये देखो, हाँ हाँ हिला रहे तो दे, देख रहे तो दे, क्या क्या इसमें। हाँ पूरी दुकान इकट्ठी कर ली ना, इसमें से मैंने कुछ सामान पीछे रख रखा है। हाँ ये तो खाली है बेटा, खाली पेपर है, देख खाली पेपर है तीनों, तो ये तो खाली पेपर है। चलो थैंक यू बोलो, थैंक यू बेटा। ये देखो अभी हाल मांग रहा था, एक में चार होती है। फिर अब दूध पीना है, ये ले ले, मैंने दूध की बोतल भी आंटी तैयार कर रखी है। आधा छोड़ता है आधा पीता है।